अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये भुना चिकन की रेसिपी है रोस्ट मसालों के साथ, जो कि बहुत ज़बरदस्त बनता है और बहुत ही डिलिशियस है। तो इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरह बनता है, आइए देखते हैं इस वीडियो क्लिप में। सबसे पहले हम लोग अपने खड़े मसालों को रोस्ट कर लेंगे। तो ये 1.5 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया का लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने ये सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च मैंने शामिल की है इसमें, 2 ये मैं इसके अंदर हरी इलायची शामिल करूँगा, 1 मैं इसके अंदर ये काली इलायची शामिल कर रहा हूँ, 3 इसके अंदर मैं ये लौंग शामिल कर रहा हूँ, 2 मैं इसके अंदर तेज़पत्ता शामिल कर रहा हूँ, और ये 2 मैं इसके अंदर दालचीनी की छोटी सी स्टिक शामिल कर रहा हूँ। अभी मैं इनको फ्राई करूँगा अंटिल वेरी लाइट गोल्डन ब्राउन, या फिर ये आपको एक अच्छी सी खुशबू देने शुरू हो जाए। हमारे मसाले हल्के हल्के ब्राउन हो चुके हैं और ये बहुत ज़बरदस्त खुशबू दे रहे हैं। तो अभी मैं मसालों को अलग कर लूँगा और इनको ठंडा होने तक एक साइड पर रख दें। मसाला सारा जो था रोस्ट ठंडा हो चुका है, तो अभी मैं इसका पाउडर बना लेता हूँ। हमारे मसाले का ये एक बेहतरीन, आप देखें, पाउडर तैयार हो चुका है और इसको हम अभी एक साइड पे रखते हैं। ये मैंने 2 मीडियम ओनियन लेके उनको पहले ही ब्राउन कर लिया था और इनको मैं इस तरह ये चूरा कर लूँगा, और चूरा करने के बाद ही मैं फिर जब मैं हांडी शुरू करूँगा पकाने के लिए, तो फिर इसका इस्तेमाल मैं आपको वहाँ पर बता दूँगा। ये चूरा हो चुका है, इसको भी मैं एक साइड पर रख रहा हूँ। कढ़ाई में हम लोग तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल ले लेंगे। ऑयल हमारा जो है वो इनफ हॉट हो चुका है, तो मैंने ये 1 किलो चिकन लिया था विद द बोन्स, तो ये हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट इसमें शामिल कर दीजिएगा एंड 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट। ये शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। अभी मैं इसको तकरीबन बहुत लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक, जैसे थोड़ा बहुत जो है ना कि ब्राउन ब्राउन हो जाए, तो मैं इसको इसी तरह मीडियम फ्लेम में इसको पकाऊंगा। चम्मच आप साथ साथ चलाते रहिएगा इसमें। हमारा जो है चिकन वो हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है जैसा मैं चाह रहा था। तो अभी इसके अंदर ये तमाम रोस्टेड मसाले जो हमने ग्राइंड किए थे वो इसमें शामिल कर दें। इसके साथ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर दीजिएगा और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। अगर आप रेड चिली पाउडर ज़्यादा खाते हैं तो आप भले एक भी डाल सकते हैं, मैंने 1/2 ही डाला है। इसको मसालों के साथ मीडियम आंच पे ही मैं तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई करूँगा। चिकन को मसालों के साथ हमने तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है, और अब मैं इसके अंदर दही 1 कप शामिल कर दूंगा, जो कि मैंने पहले ही फेंट के रख लिया था। ये हमारा 1 कप दही इसमें आ चुका है। तभी मैं इसको दही के साथ तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम में इसी तरह फ्राई करूंगा, या जब तक आपके दही का पानी हल्का हल्का सूखना शुरू हो जाए, जो कि बिल्कुल इसमें मिक्स हो जाए। चम्मच आप साथ साथ चलाते रहिएगा। जी दोस्तों, हमारा देखें दही का पानी बिल्कुल यहाँ पे खुश्क हो चुका है और दही एक तरह से बिल्कुल गायब हो गया है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको प्याज दिखाए थे, जो कि मैंने पहले ही ब्राउन करके रख दिए थे और उनका मैंने चूरा बना लिया था, तो ये प्याज भी मैं इसमें शामिल कर दूंगा। सारे प्याज शामिल करने के बाद मैंने इसकी आंच मीडियम टू लो कर दी है। इसको मैं इसी तरह अभी तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू लो आंच में मैं इसको पकाऊंगा। हमने इसको पका लिया है प्याज के साथ, तो अभी मैं इसको तकरीबन कवर करके मीडियम टू लो आंच में तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगा। जी दोस्तों, हम अपने चिकन को चेक कर लेते हैं। चिकन हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो हमने जो है अपने चिकन में सॉल्ट शामिल नहीं किया था,
सॉल्ट मैं हमेशा एंड में ही डालता हूँ। सॉल्ट हम इसमें डाल देंगे, जितना आपने सॉल्ट खाना है वो शामिल कर दीजिएगा इसके अंदर। अच्छा सा मिक्स दे दें सॉल्ट डालने के बाद। गार्निशिंग के लिए इसके अंदर मैं थोड़ा सा ये अदरक शामिल करूँगा, इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिली, थोड़ा सा हरा धनिया। जी दोस्तों, ये थी हमारी भुना चिकन विद रोस्ट स्पाइसेस, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त बना है और बहुत ही डिलिशियस है। इसका मसाला बहुत ही लाजवाब लग रहा है मुझे। आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और अगर आपका ये पहला विज़िट है मेरे चैनल में, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।